So students, today we are going to start a new chapter, that is gift of talking to birds. So as we all know कि कुछ लोग जो होते हैं इस वर्ल्ड में वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जैसे कि जो काम बाकी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं वो गॉड गिफ्टेड बच्चे या गॉड गिफ्टेड लोग उसको ईजिली कर लेते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड टू someone. Similarly, in this chapter also we are going to read a very interesting story of a lad, or you can say boy, jiska naam hota hai Jack Ma Yun, jo ki god gifted hota hai. Chapter ka naam hi hum dekh sakte hain, gift of talking to birds. To kis usko gift jo milta hai wo kis tarah ka milta hai, wo gift hota hai ki wo बर्ड्स से क्या कर सकता है, बात कर सकता है, टॉकिंग कर सकता है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो एज यू कैन सी इन दिस इमेज दैट देर इज़ अ बॉय, हिज नेम इज जैक मा यून, एंड देर इज अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स दैट इज हॉवरिंग अराउंड हिम. And what this image is showing that he is trying to speak and communicate with them. तो ये इस picture में बातचीत करता हुआ दिख रहा है bird से, और birds भी इसको जो है communicate, बातचीत करती हुई दिख रही हैं. ठीक है, let's start. So in the first para, a lad named Jack Ma Yun who lived with his parents. एक लैड का मतलब क्या होता है, लड़का, बॉय. ठीक है, तो एक लड़का होता है जिसका नाम होता है क्या, जैक मा यून, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में कहाँ पर रहता है, माउंटेन्स में, पहाड़ों के वहाँ पे जो एरिया है वहाँ पर वो रहता है. अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स. ठीक है, उसे किस चीज़ की खासियत थी कि वो जो है बर्ड्स की जो लैंग्वेज होती है उसे वो समझ सकता है. अंडरस्टूड मतलब होता है समझना, किसकी क्या चीज़ समझना, बर्ड्स की लैंग्वेज को समझना. तो वो क्या कर सकता है, जैक मा यून जो कि पहाड़ों में रहता है अपने पेरेंट्स के साथ में, जो चिड़िया होती हैं, बर्ड्स होती हैं, उनकी भाषा को समझ सकता है. वन इवनिंग एज ही वॉज स्टडिंग अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स सेट ऑन अ ट्री बिफोर हिज विंडो एंड सेंग. एक दिन की बात है, जब शाम को वो पढ़ रहा था तो एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, एक पक्षियों का झुंड आया जो कि उसकी विंडो के सामने, जो उसकी खिड़की है ना, उसके घर की खिड़की है, उसके सामने जो एक बड़ा जो पेड़ है वहाँ पे, उस पेड़ पे वो जो झुंड था पक्षियों का वो बैठा, और वहाँ पर वो कुछ गाना गाते हैं, वो सब गाना गाते हैं सेंग. क्या बोलते हैं वो गाना गा के, वो कहते हैं जैक मा यून ऑन द सदर्न प्लेन A sheep awaits you by a heap of stones, a fine fat wether that the dogs have slain. You eat the flesh and will pick the bones. क्या मतलब इसका, वो कहते हैं जो चिड़िया का जो फ्लॉक होता है वो कहते हैं बर्ड्स ऑफ फ्लॉक, क्या बोलती हैं वो, जैक मा यून नाम बोलती हैं उसका. ऑन द सदर्न प्लेन, जैक मा यून जो सदन, जो साउथ में एक जमीनी जो ज़मीन है वहाँ पे, साउथ की जो वहाँ पे एरिया है, ठीक है, सदन प्लेन जो दक्षिण में, जो साउथ में जो एरिया है वहाँ पे, जो ज़मीन है वहाँ पे, एक शीप है, एक भेड़ है, वो क्या कर रही है, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है. अवेट्स यू बाय अ हीप ऑफ स्टोन्स, और वो कहाँ पर है, जो पत्थर है वहाँ पे, एक हीप मतलब होता है, हीप का मतलब क्या होता है, हीप का मतलब होता है कि ढेर. ठीक है, हीप मतलब क्या होता है, ढेर, स्टोन्स मतलब पत्थर, तो पत्थरों का एक जो वहाँ पे ढेर है वहाँ पर एक शीप है, एक भेड़ है, वो तुम्हारा क्या कर रही है, इंतज़ार कर रही है. क्यों कर रही है, अच्छा, और वो जो जो शीप है वो कैसी दिखती है, वो शीप कैसी दिखती है, अ फाइन फैट वेदर. अच्छा, इसमें कुछ वर्ड्स हैं उनको मीनिंग समझ लो ध्यान से. देखो, जैसे कि डब्ल्यू ई टी एच ई आर वेदर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो शीप है, जो भेड़ है वो कैसी है,
वो शीप है वो कैसी है, मेल, मेल शीप है वो कैसी है, मेल शीप। तो जो मेल शीप है वो और उसकी फाइन फैट और काफ़ी जैसे है वो कैसी दिखती है, काफ़ी अच्छी खासी, मतलब उसमें जो है फैट है काफ़ी, मतलब ठीक ठाक है, ठीक है। तो जो मेल शीप है वो फाइन फैट वेदर है, ठीक है, वेदर का मतलब बता ही दिया, मेल शीप है और काफ़ी वो अच्छी दिखती है, मतलब काफ़ी अच्छा दिखता है वो भेड़, ठीक है, मतलब काफ़ी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लैश है, यू कैन से दैट द डॉग हैव स्लेन। अच्छा, तो क्या किया है उस मेल शीप के साथ में, क्या किया, क्या हुआ है कि जो डॉग्स थे वहाँ पे, जो कुत्ते थे, उन लोगों ने उसको मार दिया है, ठीक है, तो उसको क्या करा है, कुत्तों ने मार दिया है। तो वो कहती हैं सारी की सारी चिड़ियाँ जैक मा यून से कि यू ईट द फ्लैश, यू ईट द फ्लैश, तुम जो हो उसका जो फ्लैश होगा, जो उसका मांस है बचा हुआ, वो तुम उसको खा लेना, यू ईट द फ्लैश, और हम क्या करेंगे, जो उसकी जो बची हुई जो हड्डियाँ हैं, तुम फ्लैश खा लेना और जो बची हुई क्या बचेंगी, बोन्स बचेंगी, हड्डियाँ बचेंगी, तो जो हड्डियाँ हैं वो हम खा लेंगे। तो वो इसलिए कहती हैं उससे कि आप तुम जो वहाँ पे जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, जो मर गई है, जो कुत्ते थे उन्होंने उसको, मेल शीप को मार दिया है, ठीक है, तो तुम जाओ वहाँ पे और जो उसका फ्लैश है, जो उसका मांस है, वो तुम खा लेना, उसका जो मीट है, और बाकी जो उसकी बोन्स बचेंगी वो हम उठा लेंगे। सो इन द नेक्स्ट लाइन जैक मा यून वेंट, अब जैक मा यून जब सुनता है तो वो वहाँ पे चला जाता है और ब्रॉट द शीप होम, और जो उसकी जो शीप, जैसा कि बताया था, वो शीप को वहाँ पे जाके घर पे वो अपने ले आता है एंड कुक्ड इट फॉर द डिनर, और अपने जो रात का खाना होता है उसमें उसको पका लेता है, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब क्या होता है, अगली सुबह एक शेफर्ड जो होता है, गडरिया जिसे हम कहते हैं ना, जो भेड़ों को, जो शीप्स को उसको जो चराता है या जो उनको लेके जाता है, ठीक है, जो उनको उनको होल्ड करता है, ठीक है, तो वो जो गडरिया जो होता है, जिसकी वो भेड़ थी सारी, गडरिया वहाँ पे आता है, शेफर्ड वहाँ पे आता है एंड सैड, और वो कहता है कि दैट वन ऑफ हिज शीप वॉज मिसिंग, कि उसकी जो जो उसकी भेड़ें थी, जो उसकी शीप थी, उसमें से एक जो भेड़ है वो मिसिंग है, वो नहीं मिल रही है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट. Watch it and revise it.